वेलकम टू द चैनल रेक्स द जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास पपी या डॉग है तो आप उसको बेसिक ट्रेनिंग्स किस तरह से देंगे। मैं हर ट्रेनिंग का एक पार्ट बनाऊंगा। तो आज फर्स्ट पार्ट है कि आपने सबसे पहले ट्रेनिंग किस तरह से देनी है। लेकिन फर्स्ट ट्रेनिंग से पहले भी एक चीज़ आती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है कि डॉग या पपी की बाउंडिंग उसके ओनर के साथ। अक्सर लोग अपने डॉग को करके बुलाते हैं, ठीक है, और सीटी मार के बुलाते हैं, जो कि मैं गलत समझता हूँ। इस तरह नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि ये कॉलिंग नेम उनका इसी तरह सही है, जिस तरह आप विसल करते हैं या कुछ भी कह के आप उसको बुलाते हैं। तो जैसे इसका नाम रेक्स है तो मैंने ये बात इसको समझाई हुई है कि इसका कॉलिंग नेम रेक्स है। जब मैं इसको आवाज़ देता हूँ रेक्स, तो ये मेरे पास आता है। इसकी ट्रेनिंग किस तरह होती है कि अगर आपके पास पपी या डॉग है तो जब भी आप उसको खाना डाल रहे हैं और जब भी आप उसके करीब जा रहे हैं तो बार बार आपने उसके नाम से उसको पुकारना है। जैसे इसका नाम रेक्स है तो मैं बार बार इसको रेक्स कहूँगा ताकि इसके माइंड में ये बात बैठ जाए कि जब मैं इसको रेक्स बोलता हूँ तब मैं इसको खाना दे रहा हूँ, जब मैं इसको रेक्स बोल रहा हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है या मैं इसके पास आ रहा हूँ। ये इसका कॉलिंग नेम वो कुछ ही दिनों में समझना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आपने पहला काम करना है। फिर आती है बेसिक ट्रेनिंग पार्ट वन। सबसे पहले आपने अपने डॉग को सिखाना है सिट डाउन। सिट डाउन का काफ़ी फ़ायदा है और ये लाजमी सिखाना चाहिए आपको अपने डॉग्स को, क्योंकि अक्सर आप अगर अपने डॉग को गाड़ी में ट्रैवल करवा रहे हैं या किसी जगह पर आपने इसको बैठाना होता है तो डॉग ना बड़े एनर्जेटिक होते हैं, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। तो जब उसको पता होगा कि आपने इसको सिट डाउन सिखाया हुआ और आप इसको सिट डाउन बोलेंगे तो वो एक जगह पर स्टिल बैठ जाएगा। अब ये मेरे साथ वीडियो बनाता है तो तब मैं इसको सिट डाउन बोलता हूँ तो ये फिर मेरे पास ही बैठा रहता है या लेटा रहता है। तो इसकी ट्रेनिंग किस तरह की जाती है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपने इनका फेवरेट फूड ले लेना है, वो कोई भी हो सकता है। वो आपको पता होगा आपके पपी या डॉग को फेवरेट चीज़ कौन सी लगती है, वो बिस्किट हो सकते हैं या कोई फीड हो सकती है, वो आपने ले लेनी है। जैसे मैं ये इसकी फेवरेट चीज़ है रॉयल कैनन फीड है ये। अब रेक्स को तो ट्रेनिंग है सिट डाउन, काफ़ी ट्रेनिंग है इसको, बेसिक ट्रेनिंग सारी आती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने करवानी है। देखिए, अगर आपका डॉग यूं करके खड़ा हुआ है, ठीक है, पपी है या डॉग है, तो आपने उसको बोलना है सिट डाउन। अब सिट डाउन किस तरह बोलना है, आपने सिट डाउन बोलना है ज़ोर से और पीछे से इसको पुश करना है, नीचे बिठाना है, सिट डाउन, ठीक है। जब वो बैठ जाएगा तो आपने उसमें से एक फीड निकाल के उसको दे देनी है इस तरह से, ठीक है। अब जब तक वो बैठा हुआ है इस तरीके से आपने उसको फीड देते रहना एक एक करके, इकट्ठी नहीं सारी खिलानी, इस तरह से आपने उसको देते रहना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बीच में आपका पपी खड़ा हो जाता है इस तरह से, फिर उसको आपने कहना सिट डाउन, यूँ पीछे से हाथ दबाना, वो बैठ जाएगा, फिर आपने उसको फीड दे देनी है। जब आप बार बार इस तरह से करेंगे तो उसके माइंड में ये बात बैठना शुरू हो जाएगी कि जब मैं नीचे बैठता हूँ तब ही मुझे मेरी फेवरेट चीज़ मिलती है, ठीक हो गया। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे आपका पपी या डॉग खड़ा हुआ है इस तरीके से, आपने पीछे से पुश करना है और उसको यूँ सिट डाउन यूँ कह के बिठाना है, सिट डाउन लाजमी बोलना है आपने, फिर आपने उसको फीड दे देनी है। अब जब तक वो बैठा रहेगा मैं उसको फीड देता रहूँगा, अगर वो बीच में खड़ा हो गया तो आपने उसको फिर पीछे से पुश करना है यूँ बिठाना है सिट डाउन, फिर आपने इसको फीड दे देनी है, ठीक हो गया। ये बेसिक ट्रेनिंग होती है और आपने ये कितनी देर में करनी है, खा लो, आपने ये सिर्फ दिन में 15 मिनट तक करनी है अलग से ट्रेनिंग, और जब आप उसको 2 या 3 दफ़ा दिन में जितनी मरतबा फीड देते हैं इसी तरीके से करनी है। अब जो उसकी डेली फीड होती है जो आप देते हैं उसको बाउल में, तब भी आपने इसी तरीके से करना है। आपने वो बाउल हाथ में पकड़ के रखना है, ठीक है, जब वो खड़ा हो तो उसको बोलना है सिट डाउन, वो यूँ बैठेगा तो उसको आपने फीड देना, जहाँ पर वो खड़ा हो गया आपने फीड कर लेनी है पीछे, उसको फिर सिट डाउन करके नीचे बिठाना और फीड देना शुरू। विद इन 1 वीक वो ये बात अंडरस्टैंड कर जाएगा, चाहे वो पपी है चाहे वो डॉग है, ठीक है। ये इसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, ये फर्स्ट ट्रेनिंग होती है जो कि लाजमी होती है। तो अपने डॉग को लाजमी ये बेसिक ट्रेनिंग्स दिया करें, इसे थोड़ा सा आपका डॉग एजुकेटेड लगता है, सफिस्टिकेटेड लगता है, आपको भी तंगी नहीं होती कल को, काफ़ी चीज़ों में आपको हेल्प आउट होती है इन चीज़ों से। अब जैसे मैं अपने
रेक्स को अपनी कार में गाड़ी में लेकर जाता हूँ तो ये वहाँ पे ना बीच में इधर उधर भागना शुरू कर देता है। और फिर जब मैं इसको सिट डाउन बोलता हूँ या ले डाउन बोलता हूँ तो ये वहाँ पे बैठ जाता है या लेट जाता है, सुकून से बैठा रहता है। तो काफ़ी जगह पे भी मैं अगर इसको लेके जा रहा हूँ अपने साथ तो सिट डाउन बोलता हूँ तो वहाँ पे सुकून से ये बैठा रहता है। देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि मैं आपको कहूँ कि आप ऐसे करें वैसे करें, ये फीड लेके आए फिर इस तरह की ट्रेनिंग करें, नहीं। ये सिर्फ एक छोटी सी बात होती है, छोटी सी टिप होती है। आपको सिर्फ 15 मिनट देने पड़ेंगे अपने डॉग को, और जब वो आप उसको उसकी रेगुलर फीड दे रहे हैं, डाइट दे रहे हैं, तब भी आपने यही सीन करना है। ठीक हो गया? तो ये थी आज की वीडियो, बेसिक ट्रेनिंग पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।